तो मैंने ही कॉल किया था आपको। हाँ कहाँ जाने है तो? नहीं नहीं वो लोग लेके गए अभी। मेरे ले गया मान दरवाजा। तो आज पापा मम्मी लोग जा रहे हैं सेंटर पे थेरेपी के लिए और मैं निकल रहा हूँ सूरत के लिए। तो छप्पन हाँ हाँ 94-56 चले वहाँ पहुँच के फ़ोन करें हमें। ठीक है टाइम लग जाएगा ले लो। देखो पापा लोगों की गाड़ी यहाँ पहुँची है। अब तक दोनों यहीं हुआ। उनका ऊबर से बुक कराया था तो फिर मुझे उतर के रिक्शा लेना पड़ा। कहाँ नाम बोरीवली जाते बोरीवली। गाड़ी बांद्रा से निकल चुकी है। हाँ बोरीवली अभी नेक्स्ट स्टॉप बोरीवली। और ये चेक नाका का इतना बड़ा ट्रैफिक। हाँ यही ट्रैफिक अगर ना लगे ना तो बहुत जन का टाइम बच जाता है। गाड़ी अंधेरी पहुँच गई है बिफोर टाइम। एकदम टाइम से पहुँचा हूँ कट टू कट एकदम अपने डब्बे के सामने। ये देखो भाई ये है वापी स्टेशन। पिछली बार इसी पे अवधेश दुबे जी हमको मिले थे। अवधेश दुबे जी यहीं पे घूमते हैं और खिलौना बेचते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि अवधेश दुबे जी हमेशा मिलें, कहीं ना कहीं खिलौना बेच रहे होंगे इसी गाड़ी में। पिछली बार तो टाइम ही नहीं मिल पाया। हार्डली 30 सेकेंड्स के लिए मेरी बात हुई उनसे तब तक गाड़ी खुल गई। मुंबई से बाहर निकलते आप वापी भी पहुँच जाओगे ना तो भी आपको गुजराती में लिखा हुआ मिल जाएगा। और सूरत तो इतना बड़ा टेक्सटाइल का मार्केट है, इतना सारा गठिया लाड़ी ये सब कुछ यहाँ पे। इस तरफ पूरा रॉ मटेरियल कपड़ों का। यहाँ से बाहर निकल तो सकते हैं। ये आम रास्ता नहीं है भाई, ये अमरूद रास्ता है। पार्किंग फुल है। अबे इतना तो मुंबई में भी नहीं होता। अरे कितने लोग रहते हैं यार नीचे। ऊपर इतनी बाइक नीचे इतनी बाइक। उतरी वो देखो वो वहाँ तक है भाई। जिससे मिलने आया हूँ वो अभी 20 मिनट के बाद आएगा। तब तक हम सूरत की गली घूम लेते हैं, उधर चलते हैं। ये देखिए मेन गेट तो इस तरफ था। यहाँ बाहर निकलते ही ऑटो स्टैंड बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड। ऐसा लग नहीं रहा कि गुजरात में आ गए हैं यार, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। उल्टा देखो वहाँ लिखा वड़ा पाव, वो भले गुजराती में लिखा है लेकिन समझ में आ रहा है। जब भी मुंबई के अलावा और किसी छोटे शहर में जाओ ना, यानी कि नॉन मेट्रो सिटी, पता नहीं क्यों उस शहर से बहुत ही जल्दी कनेक्शन बनता है। क्योंकि लोग कम हैं तो ऐसा लगता है कि अपना ही शहर है। मैंने ही कॉल किया था आपको। हाँ कहाँ जाने है तो? नहीं नहीं वो लोग लेके गए अभी। मेरे ले गया मान दरवाजा। बहुत देर तक था वो लेके गए अभी उधर। कुछ पिया नहीं अभी नहीं पिया। एक महिला यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी बहुत देर से, तो फिर मैंने 108 नंबर पे कॉल किया। तो ये लोग अभी लेकर के आए। लेकिन वो लोग गए ऑटो से।
वो कब से चप्पल सुंघा रहे, प्यास सुंघा रहे, मैं कहा हॉस्पिटल ले जाओ, आप खुद ही डॉक्टर ना बनो। ये हाँ ओके हो गया। अच्छा ये मतलब फ्री है ना एकदम गवर्नमेंट का? हाँ गवर्नमेंट में फ्री सभी। हॉस्पिटल जाएगा वहाँ पे भी चार्जेस वार्जेस लगेंगे? वो भी फ्री है। वो हॉस्पिटल जाके तो जो लोग कहते हैं गवर्नमेंट जाने तो गवर्नमेंट जाएंगे, प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट चल जाए। अच्छा 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 भाई, ये लोग मेरा नाम नंबर लिखवाएं क्योंकि मैंने ही कॉल किया था, तो इसीलिए अभी बहुत देर से एक महिला यहाँ पे लेटी हुई थी, ये लोग प्याज पता नहीं चप्पल सुंघा रहे हैं, मैं कहा जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो, एम्बुलेंस आया लेकिन ये लोग रिक्शा लेकर के निकल गए हॉस्पिटल। मीटिंग हो गई है ख़त्म, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मुंबई के लिए। यहाँ पे हो गई बारिश, जैसे मुंबई में हो रही है पिछले 3 दिनों से वैसे यहाँ भी हो रही है। यही हाल हो रहा है मुंबई का भी डेली शाम को। हाँ तो वही 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है जैसा बेंगलोर में हुआ था, तो लग रहा है कि हम मुंबई में ही घूम रहे हैं। There's no need to rush, so let's just take our time. यहाँ हमारे कुछ भाई लोग कचौड़ी का मजा लेते हुए, इनको देख के तो मन कर रहा है कि मैं भी बस एक कचौड़ी खा ही लूँ, बहुत दिन हो गए हैं ये खाए हुए। अच्छा आपका यहाँ से इसने एक्सचेंज किया था, ये सेम सीट वहाँ पे है, ये भी तो बैठे ये वाला नहीं इनका ही है, इधर हमारा ये वाला है अभी ये वाला नीचे वाला और बीच वाला ये इनका दे दीजिए। बड़ा पाव गरम आएगा सर, बड़ा पाव उनको यहीं बैठना है, बड़ा पाव है नहीं ठीक है ठीक है जाएंगे। हाँ चाय अदरक इलायची का चाय कम्फर्ट है। हाँ ठीक है ठीक है, जो लोग खोल के बैठे हैं जी का आपको क्या है मार्केट पैसे लगाओ कितना दोगे, मैं सीधा डबल की बात करते हैं मार्केट में, डबल होने के लिए आपको 90% चांसेस लॉस कर रहे थे, 10% चांसेस देखिए ये वाली गाड़ी जाएगी गोवा राजधानी एक्सप्रेस, अब यहाँ से हम जाएंगे उस पार जाके पकड़ेंगे लोकल। सो द डे वॉज वेरी प्रोडक्टिव, मीटिंग बहुत ही हेल्दी हुई और सूरत एक दिन में जा कर के आ भी सकते हैं, ज़्यादा बहुत ही लंबी जर्नी नहीं है, 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है। और हमारी ट्रेन में भी काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों के साथ बातचीत भी बहुत ही बढ़िया रही। तो बस अभी मैं आ चुका हूँ घर, अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जाइएगा, मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।